तो भाई आज हम लोग देखने वाले मेकओवर अपनी एक्स्टर का, जो कि अपने पास स्पेशली काम होने आई है, वो भी मथुरा से, यूपी से। भाई है हमारे गाड़ी के ओनर, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो भाई आज क्या क्या टॉप मॉडल गाड़ी है आपकी ऑलरेडी? टॉप मॉडल है, सीएनजी टॉप, सीएनजी टॉप मॉडल है। तो भाई की गाड़ी में आज हम लोग ना बेसिक एक मेकओवर देने वाले हैं, और काफी सारी चीजें टॉप मॉडल में भी नहीं आती है। तो अपन इसको भाई आज बहुत ज्यादा चीजों के साथ अपग्रेड करेंगे, जैसे कि एलईडी लाइट्स हो गई, इसके अंदर अपन फॉग लाइट भी अपग्रेड करेंगे, और इसके अंदर एमएन लाइट भी अपग्रेड करेंगे, और काफी सारी कॉस्मेटिक चीजें करेंगे जिससे गाड़ी का लुक अच्छा हो जाएगा। भाई अभी इंटीरियर में देखे हम तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, एक एंड्रॉइड है, स्टेयरिंग में कंट्रोल्स है, तो जो भी टॉप मॉडल के अंदर फीचर्स आते हैं वो सब है। बट अभी गोरखा भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो गोरखा भाई इसके अंदर अभी डालने वाले एक फ्लोरिंग, जिससे देख रहे हो ये कंपनी का जो कारपेट है ये खराब नहीं होता, तो अपन इसके अंदर एक फ्लोरिंग डालेंगे। ये फ्लोरिंग हर गाड़ी के अंदर आप डलवा सकते हो, जिससे आपकी ना गाड़ी की शेल्फ लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, जो आपका जो मैट होता है ये कभी खराब नहीं होगा। और उसके बाद भाई हम वेलकम लाइट अपग्रेड कर रहे हैं भाई, तो भाई को हमने सजेशन दिया कि ये आप डलवाओ, तो भाई ने वो सब चीज कराई। वेलकम लाइट डल रही है, उसके बाद एम्बियंस डल रही है, K3 की 6 पीस एम्बियंस डल रही है इसके अंदर, तो एम्बियंस लाइट प्रॉपर इंस्टॉल हो गई, डोर खोल के ले जा रहे हैं अभी, और हॉर्न डल रहा है भाई, क्रेटा वाला हॉर्न है, मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया भाई, बढ़िया आवाज है इसकी, मस्त एकदम। अभी भाई अपन इसके अंदर ना हॉर्न इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये मैं हटवा रहा हूँ भैया भाइयों से अपने, तो ये हटवा करके मैं इसके अंदर हाइड्रोसोनिक का बढ़िया सा हॉर्न डलवा दूंगा भाई की गाड़ी में, ताकि आवाज अच्छी हो जाए गाड़ी में हॉर्न की। भी अपन एम्बियंस लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं दरवाजों के अंदर, ये भी एक्स्टर के दरवाजे है ना, तो एक्स्टर के दरवाजों के अंदर प्रॉपर अपन एम्बियंस लाइट बैठाएंगे भाई भी अच्छे से। भाई अपनी एक्स्टर के अंदर ना अब अपन लोगों ने एक लाइट इंस्टॉल कर रहा है भाई, इसे बोलते हैं DRL, तो ये यहाँ से वैसे पूरी ना लाइट लगवाएंगे भाई, DRL लाइट, ये देखो तो ये बढ़िया जलती है, इंडिकेटर के साथ येलो भी मूव करेगी, और जब हम इसको गाड़ी को ऑन रखेंगे तो वो व्हाइट लाइट जलेगी, और इसके हॉर्न भी चेंज करते थे, तो ये हॉर्न लगे थे इसके अंदर बच्चे से, तो इस बोनट को खोल के इसके अंदर हॉर्न भी अपग्रेड करा भाई अपनी शॉप ने। इसके अलावा भाई गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी फ्लोरिंग कर दी, देखो सीट्स चढ़ा दी है वापस, तो अभी अपन एम्बियंस लाइट की फिटिंग कर रहे हैं इसके अंदर, है राजू एम्बियंस लाइट की फिटिंग, एम्बियंस लाइट की डब्बी लग रही है इसके अंदर प्रॉपर, फिर एम्बियंस लाइट भी बैठ जाएगी, मस्त लगेगी गाड़ी का लुक अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर वेलकम लाइट लगेगी। तो भाई बोलो भाई की गाड़ी में भाई जो लाइट थी वो थी येलो, समझ रहे नीचे, और ये ऊपर व्हाइट थी, ऊपर व्हाइट थी नीचे येलो थी, अभी ये कॉम्बिनेशन व्हाइट है, अब दोनों कॉम्बिनेशन में सेट करे हैं, पहले वही व्हाइट कर दिया, इसके अंदर भी LED अपग्रेड कर दी, इसको यहाँ पीछे से खोल के हमने बल्ब हटा दिया, और इसके अंदर अपनी लाइट डाल दी, और डाली है भाई V-शेड की, और जो लाइट अपग्रेड करी है वो ये वाली करी है, देखो 200 वाट की V-शेड की, पहले 55 वाट, 55 वाट की थी पहले, अभी 200 वाट। तो भाई इसकी 2 साल की गारंटी है, कुछ भी परेशानी हो हमारी शॉप पे आना भाई, आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं खड़ा होना पड़ेगा, सीधा चेंज करके देंगे, कोई नोक झोंक नहीं होती भाई, कोई रिपेयरिंग नहीं, सीधा एंड टू एंड चेंज, जो खराब हुआ वो हमारा है। ये DRL लगेगी भाई, अब तो DRL इंस्टॉलेशन कर रहे हैं भाई। भैया फाइनली काम कर दिया हम लोगों ने हुंडई की एक्स्टर पे जी, तो अब आप बता दो एक बार क्या क्या करा है हमने इसके अंदर। DRL लगा दिए, ये देखिए DRL, ये जो ये मैट्रिक्स के अंदर है, इसमें इंडिकेटर भी जलता है, अच्छा, और वाइट भी जलती है, चेक कराओगे इंडिकेटर कैसी लगती जलने के बाद, है ना? तो ये देखो गाइस, तो जैसे इंडिकेटर देंगे तो ये जलेगी, और ये भी जलेगा साथ में, हाँ, तो ये कुछ अलग टाइप की मॉडिफिकेशन करी है, बट अच्छा लुक आ रहा है इसको, बट ये जो आती है कंपनी से ही आती है लग के, हमने यहाँ पे DRL लगाई है, ये आपने DRL, बाकी इसकी हेडलाइट के अंदर हमने 200 वाट की LED डाल दी है इसके अंदर, V-शेड कंपनी, गारंटी वारंटी कितनी, 2 साल रिप्लेसमेंट गारंटी रहने वाली है। चलो चेक कर लो भाई एक बारी सामने, ये देखो भाई क्या हैवी डिपर है यार, दुकान के अंदर तक दिख रहा है पूरा, तो ये देखो भाई अब तो ऐसे पता लगता है भाई लाइटों का थ्रो, देख लो कितनी दूर तक लाइट जा रही है, तो काफी सही है, मतलब लाइटों में तो आपने काफी एक्सट्रीम काम कर दिया भाई। अब उसके बाद और क्या, उसके बाद हमने इसमें साइड बिडिंग लगा दी है, ये देखिए साइड बिडिंग अपग्रेड करी है आपने पूरे के पूरे, हाँ। क्रोम लाइन वाली साइड, उसके बाद हमने इसके अंदर डोर वाइजर लगा दिया क्रोम लाइन के अंदर, ये चेक करो भाई, उसके बाद हमने एम्बिएंट लाइट लगा दी है, ये देखिए एम्बिएंट लाइट लगाई, सब लाइट यहाँ लगाई है, हाँ, सब इसमें लगाते हैं, इधर लगाते हैं, कटिंग वटिंग करके लगाते हैं, हाँ। कस्टमर ने बोला मेरे को कोई कटिंग नहीं चाहिए, हाँ। और मेरे को प्रॉपर वो चाहिए, तो मैंने हाँ। यहाँ पे, आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगवा दिया, ये देखिए सामने डैशबोर्ड वगैरह, एम्बिएंट लाइट लगने के बाद बढ़िया ही लुक आ रहा है भाई गाड़ी का पूरे इंटीरियर में। उसके बाद हमने इसमें एक्स्टर की वो लगा दी है, एक्स्टर की वेलकम लाइट लगा दी है, GFX का मैट डल गया इसके अंदर, GFX का मैट लाइट डल गया भाई, उसके अलावा भाई इतने GFX का मैट पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया, उसके बाद हमने BMW का आर्मरेस भी डाल दिया, ये देखिए चलो, मतलब सारा सामान वगैरह रखने के लिए भी बढ़िया हो जाएगा, और हैंड रेस्ट के लिए भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्रॉपर ये लग चुकी है, और मतलब बेसिकली टॉप मॉडल ही था, तो हमने ज्यादा कुछ चीजें नहीं करी, बट कॉस्मेटिक चेंज करके गाड़ी का लुक अच्छा करने की कोशिश करी है, तो टॉप मॉडल भाई अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं, बट ये कुछ बेसिक काम आप जरूर हमसे करा सकते हो भाई हमारी शॉप से, और ये काम हम किसी भी गाड़ी में कर देते हैं, चाहे वो ये लाइट हो, चाहे वो LED अपग्रेडेशन, बाकी हमारे पास गाड़ी आई है मथुरा से काम, मथुरा से आई हुई है, तो ये भाई हमारे
तो दोस्तों, तो भाई हमें ये बताइए हमारा काम कैसा लगा? कैसा लगा? सारा काम जेन्युइन था, और जो भी इसमें आपने जो भी लगाई हैं लाइट्स वगैरह, उसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट थी। कुछ तो भी ऐसा नहीं लगा। जो भी काम हुआ है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और आपके नेचर से भी सेटिस्फाइड हूँ, और भाई ने काम भी अच्छा किया सारा, और टाइम पे काम कर दिया था। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए अगर हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं 10 में से 10 ही नंबर दूंगा, और भाई का जो बोर्ड है दुकान का, मुझे सबसे अच्छा बोर्ड का नाम लगा श्री जी का। जो तो दोस्तों, जैसे कि राधा रानी बरसाने की हैं, मैं वृंदावन से हूँ, इसलिए गाड़ी का जो आपकी शॉप का जो नाम है उस नाम को देख के मैं आपके पास आया हूँ, और काम भी मुझे वैसे ही मिला जेन्युइन। तो दोस्तों, गाड़ी अपने पास लेके आइए श्री जी कार पे, पूरा बेस्ट रेट में, और सबसे बढ़िया श्री जी कार पे सीधा विजिट करें। विजिट करें, धन्यवाद जी।